फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ येलो मूंग दाल की सब्जी। वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। एक कटोरी में थोड़ी सी कम इतनी मैंने मूंग दाल लिया है। अभी इसको हम धोएंगे और 1 घंटे के लिए उसको पानी में रखेंगे। धो के साफ करके मैंने इसको पानी में डाल दिया और 1 घंटे तक हम इसको पानी में रखेंगे। मूंग दाल की सब्जी में डालने के लिए मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, 2 हरी मिर्ची काट के रखा है, 2 लहसुन की कली काट के रखी है बड़ी वाली, कड़ी पत्ते लिए हैं, थोड़े से धनिया काट के रखा है, और अभी ठंड के मौसम में हरा लहसुन मिलता है वो 2 कड़ी मैंने काट के रखा है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो इतनी सामग्री से भी आप मूंग दाल की सब्जी बना सकते हो। झटपट बन जाती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। 4 टेबलस्पून जितना हम ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होते ही उसमें हम जीरा डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, 1 टेबलस्पून जीरा डालेंगे। जीरा चटक गया है, उसके अंदर हम कड़ी पत्ता डालेंगे। लहसुन डालेंगे। लहसुन हल्का सा रेड होने के बाद हम उसके अंदर जो काट के हमने हरी मिर्ची रखा था वो डालेंगे। 1-2 सेकंड के लिए उसको पकाएंगे। उसी में हम हरा लहसुन डालेंगे। मुझे हरा लहसुन बहुत पसंद है। मैं ठंड के मौसम में दाल या सब्जी में हरा लहसुन ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। अभी हमने जो एक टमाटर काट के रखा था वो डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून जितना मैं नमक डालूँगी ताकि टमाटर हमारे पिघल जाए। टमाटर हमारे पिघल चुके हैं, उसमें इसके अंदर हम 1/2 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे। उसको चलाएंगे 1-2 सेकंड के लिए, हल्दी पक जाए और उसकी स्मेल ना आए। 1 टेबल स्पून जितना लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ऑलरेडी मैंने 2 हरी मिर्ची लिया था तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। इसको भी चलाएंगे हम अच्छे से। अभी इसके अंदर लास्ट में हम धनिया डालेंगे। धनिया अंदर डालने से उसकी स्मेल अच्छी आती है और दाल या सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं ऊपर से धनिया का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि मेरे दोनों बच्चे को धनिया पसंद नहीं है, ऊपर से डालती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऊपर से धनिया भी डाल सकते हो जब दाल बन जाती है तब। मैंने जो दाल लिया था उसको पानी में रखा था 1 घंटे के लिए ताकि दाल हमारी जल्दी पक जाए। ये दाल वैसे भी सॉफ्ट रहती है, जल्दी पक जाती है, उसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी हम इसको 5 या 7 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। थोड़ा सा नमक मैंने लहसुन टमाटर में डाला था इसलिए लास्ट में मैंने नमक डाल दिया है। अभी उसको ढक के हम पकाएंगे। एक बार ज़रूर ये दाल बनाना, खाने में टेस्टी लगती है। अगर दाल जैसे बनाना है तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालना और सब्जी जैसे बनाना है तो पानी कम डालना। मूंग दाल की सब्जी बनके हमारी रेडी है। मैंने गाढ़ी रखा था, आप देख रहे हो दाने दाने भी दिख रहे हैं, उसमें दाने दिखने चाहिए तो वो सब्जी की तरह अच्छी लगती है खाने में। और उसको ज़्यादा पकाएंगे या विसल लेंगे तो वो दाल बन जाएगी। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना बना के। अभी मैं गैस की फ्लेम को बंद करूँगी। मैंने आपको दिखा दिया कि मेरी मूँग दाल बन के रेडी है। मैंने जो रेसिपी शेयर किया है वो बना के देखना। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।